एक्स फार्मूला खत्म होने के बाद डिफरेंशिएशन में जब 20 फार्मूले हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग इसके रूल मतलब रूल में एंट्री मारते हैं। हम लोग को देखना है कि क्वेश्चंस बनाते वक्त हम लोग को किस किस रूल को फॉलो करना जरूरी है। अगर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी किसी भी चीज़ को करने के लिए जो रूल होता है अगर आप उसको फॉलो ना करो तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। यहाँ भी बात उसी तरह की है, अगर आप डिफरेंशिएशन के रूल को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप कभी भी आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालोगे ना तो वो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उसको फॉलो करना है, रूल्स बनेंगे ये फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट रूल्स, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्लियर। लेट यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ, मतलब हमने तीन फंक्शन माने और तीनों फंक्शन जो है एक्स के फंक्शन। हम एक्स के फंक्शन इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों को डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट। अगर आप वाई का फंक्शन मान लो तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो रूल नंबर पहला कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत सारा फंक्शन आपका प्लस से ऐड किया हो तो डेरिवेटिव कहता है कि आप सेपरेट सेपरेट ले सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि आप डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप लिख सकते हैं। चलिए अगर आपका सेकेंड नंबर यू माइनस वी मतलब आपका सब्ट्रैक्ट किया हो तब भी आप चाहें तो इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट बीच में जो साइन आपका है जब लाइक जो भी है साइन ऑपरेशन वो आपका मेंटेन होगा। अगर यहाँ प्लस था तो प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, क्लियर। चलिए रूल नंबर थ्री, अब आते हैं हम लोग, कोई कॉन्स्टेंट है और उसके साथ एक वेरिएबल है। तो रूल कहता है कि जब भी आपको कोई कॉन्स्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो कॉन्स्टेंट जो है बाहर बनाएंगे, कॉन्स्टेंट बाहर बनाएंगे और उस यू का डिफरेंशिएशन जो है एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस इज द बेसिक रूल, ठीक है, विच वी हैव टू फॉलो। रूल नंबर फोर, डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली एक रूल है, यू बाहर रहेगा वी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर प्लस वी रहेगा यू का डिफरेंशिएशन होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बारी बारी से जो है डिफरेंशिएट करना है, मतलब किसी को छोड़ना नहीं, ठीक है। इसी को आप देखोगे अगर मान लीजिए यही रूल नंबर फोर का ही पार्ट है, ठीक है, रूल नंबर फोर का ही पार्ट है दोनों से आपका, कि अगर तीन टर्म है यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू और तब आपको उसका लिखना है, कैसे लिखिएगा, इसमें एक बाहर दो को बाहर रखो, यू इंटू वी रखिए, डब्ल्यू को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस यू इंटू डब्ल्यू रखिए और वी को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस अब जो है वी और डब्ल्यू रहेगा और यू को डिफरेंशिएट, मतलब इस तरह से आप बारी बारी से एक करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मैंने नंबर बढ़ाया नहीं, तो नंबर फोर ही रखा क्योंकि दोनों से हैं। चलिए अब रूल नंबर जो है फाइव का, रूल नंबर फाइव क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाई यू मतलब डिवीजन के फॉर्म में है और आपको क्या कहते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फॉर्मूला जो हो जाता है दिस इज इक्वल टू वी मतलब वी का स्क्वायर, डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर जिसका आपने स्क्वायर किया वो लिख दिया और जो बचा है यू उसको डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस अभी हम यू को बाहर रखेंगे और वी को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका डिफरेंशिएशंस के पांच बेसिक रूल होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि 20 फॉर्मूले और पांच बेसिक रूल, ठीक है, तभी जाकर के आप कोई भी डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम बना सकते हैं, वो भी बेसिक, क्योंकि इस डिफरेंशिएशन इतना ही तक खत्म थोड़ी हो जाता है, इसके बाद उसमें एक कैटेगराइज करके डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, बहुत सारा है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 20 फॉर्मूले और 5 रूल्स के बारे में जानकारी होने ही होने चाहिए,
अब मैं क्या करूंगा, इससे रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो तब तक देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जस्ट तब से कहा कि मैं आप क्या करूंगा कि कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो 20 फॉर्मूले और पांचों रूल कैसे फॉलो किए जाते हैं, ठीक है? तो आपके सामने आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं और हेडिंग जो देखिए आप क्या लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा हुआ है फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये जो देख रहे हैं ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, ठीक है? इसका हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। सीधा सीधी बात है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन पता करना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है? चलिए अब हम लोग आते हैं फर्स्ट नंबर पे, एक एक करके बनाएंगे। तो फर्स्ट नंबर जो है वो आपका है डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां लिखेंगे डी, डिफरेंशिएट करना है तो यहां लिखेंगे डी इसका, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट, ये इसका दिस इज द रिक्वायरमेंट। अगर हमको कहेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता कीजिए, अगर हमको ये निकालना, अब रूल्स को फॉलो करते हैं तो डिफरेंस सबको अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। जब आप उसको पूरी तरह से सीख जाएगा तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार में आंसर लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप ही मूव करना है ताकि आपको सीखना है, ठीक है? चलो यहाँ देखें, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर हो गया और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। यहाँ भी कांस्टेंट डी है, बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। और इसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, ये मैंने पहले भी फॉर्मूला में लिखा दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो टू इंटू एन की जगह टू हो गया, तो टू इंटू एक्स की पावर टू माइनस वन सिंपली वन प्लस बी। यहाँ ऐसे लिख सकते हो डी एच डी एक्स कैंसिल, लेकिन कैंसिल नहीं होता, आपको एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना, तो एन की जगह कितना आता इंटू एक्स पे पावर वन माइनस वन का जीरो, ठीक है? तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, तो टू ए एक्स प्लस बी है, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दिस इज द प्रॉपर मेथड टू राइट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शंस। यू मस्ट हैव टू फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस व्हिच वी हैव डिस्कस दिस लेक्चर स्टार्ट एट द स्टार्ट। नंबर टू, डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव इंटू पावर एक्स प्लस सेवन, एंड लाइक वाइज यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव इंटू पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेवन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ देख सकते हो थ्री कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ फाइव कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटू पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है, तो अल्टीमेटली कितना लिख सकते हैं, थ्री रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया वन बाई टू रूट एक्स होता है प्लस फाइव इंटू ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर सॉरी डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स जीरो है मतलब जीरो, तो अल्टीमेटली ये जो दिख रहा है ये आपका फाइनल आंसर, क्लियर? तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। चलिए अब हम लोग एंट्री मारेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ, ये लिखा हुआ है लॉग एक्स बेस में फाइव प्लस ई टू दी पावर थ्री एक्स प्लस एक्स पे पावर माइनस वन एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? चलिए रूल को फॉलो करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस फाइव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर थ्री एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर माइनस वन को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं क्या? तो फाइनली जो आंसर होगा ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग कितना पड़ेगा, ए टू दी पावर एक्स का सॉरी लॉग एक्स बेस ए का, हम लोग को पता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग ई बेस में फाइव इंटू वन बाई एक्स, है ना? फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए तभी जाके आप अच्छी तरह से समझे। इसका फॉर्मूला क्या था, e टू दी पावर थ्री एक्स, e टू पावर एक्स का फॉर्मूला e टू पावर एक्स, लेकिन क्योंकि यहाँ e टू दी पावर थ्री एक्स है इसलिए डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू पावर थ्री एक्स,
लेकिन मैंने आपको एक बात कहा कि लीनियर एक्सप्रेशन के साथ जो भी रहेगा आपका, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ लीनियर एक्सप्रेशन मतलब देख सकते हैं 3x, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 3 से यह गुणा हो जाएगा, ठीक है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों होता है, 3 से मल्टीप्लाई होगा। और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x का स्क्वायर, तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो मेरे पास 8 सवाल है, 8 को क्लियर। चलिए अब हम लोग पांचवा नंबर पर मूव करते हैं, ठीक है, सॉरी चौथा नंबर। तो चौथा नंबर हम लोग कितना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। अब दिस इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका हो जाता है sec x into tan x, this is the final differential coefficient। अब हम लोग एंट्री करते हैं पांचवा नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x into cot x। अब आप देख सकते हो इससे पहले जितने सारे जो प्रॉब्लम थे वो जोड़ या घटा भी लिखे होंगे। अभी जो है आपका प्रोडक्ट मतलब u इंटू v वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको जब करना होगा तो क्या करेंगे, इसी a को रखते हैं और डिफरेंशिएशन करेंगे cot x का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस अभी cot x रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू इसका हो जाएगा e टू द पावर x और cot x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस cos x स्क्वायर x, प्लस यहाँ हो जाएगा cot x और e टू द पावर x का हो जाएगा cot x। चाहो तो उसको सजा सकते हैं, हो जाएगा e टू द पावर x, यहाँ हो जाएगा cot x माइनस cos x स्क्वायर x, फाइनल आंसर। लाइकवाइज आप सिक्स नंबर पे जा सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x base e into cot inverse x with respect to x, ये भी प्रोडक्ट है, फिर आप u into v वाला कांसेप्ट लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, log x base e को रख देते हैं और cot inverse x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस फिर आप cot inverse x को रहने दीजिए और log x base e को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा log x base e, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या है भी नहीं पतला को पता है, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स इंटू और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई एक्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर, यू कैन राइट, ठीक है। अब हम लोग एंट्री करेंगे 7 और 8। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग 7 नंबर और 8 नंबर मेरा बचा हुआ है उसको मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको रूल फॉलो करना है, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर क्या है उसको यहाँ लिखना है, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपको डिफरेंशिएट करना है ऊपर वाले, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रहेगा और आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू। This is the formula. So here you can write sin x plus cos x, sin x ka differentiation cos x or cos x ka differentiation minus of sin x, so minus minus plus sin x minus, yahan ho jayega aapka sin x minus cos x, sin x ka differentiation cos x or cos x ka minus sin x, ye ho jayega cos x or cos x ka minus sin x, or divided by यहां हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। आप चाहो तो स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन दोनों सेम है, यहां लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन यहां लगा दिया, यहां हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
ऑपरेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो सिंपली हो जाएगा टू बाई, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको भी अरेंज करेंगे तो हो जाएगा टू बाई, यहाँ हो जाएगा वन प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और आप अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़े होंगे तो साइन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन टू एक्स हो जाता है, हो जाएगा वन प्लस साइन टू एक्स। तो इस तरह से आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट डिफरेंशिएशन का जो रूल है उसको मैंने फॉलो किया, डिवीजन वाला, डिवीजन वाला फॉर्मूला है, यू बाय बी है, तो यहाँ बी का स्क्वायर हो गया बी, यू का डिफरेंशिएशन माइनस से यू रहा बी का डिफरेंशिएशन, और फिर उस तरह से ऑपरेट कर दिया आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए और बी के जगह में साइन और कॉस हो गया, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, ट्वेंटी यहाँ टू बचा। अब बाकी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको आप वर्कआउट कर सकते हैं त्रिभुज के कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम जो लास्ट सवाल है आप हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये है इसी पर डिफरेंशिएट करना, तो लगा दीजिए फार्मूला, भी मतलब log x बेस का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर के इसको यहाँ लिखना है, तो log x बेस ही होगा, और डिफरेंशिएट करना है e to the power 3x को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस अभी हम e to the power 3x को डाल देते हैं और log x बेस e को डिफरेंशिएट करते हैं, क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x बेस e, इसका डिफरेंशिएशन हमने जस्ट नोट किया है, e to the power 3x into 3 माइनस ये हो जाएगा e to the power 3x और यहां हो जाएगा 1 by x और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा log x बेस e का। एक काम कर सकते हैं e to the power 3x कॉमन ले लिया तो जो बचा हुआ वो हो गया थ्राइस इनटू log x बेस e माइनस 1 by x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय log x बेस e का होल स्क्वायर एंड दिस इज द एक्चुअल डीसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन फंक्शन। सो हियर वी डिस्कस सम बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन एंड यू कैन सी that these are simple functions and we use only the basic formulae and some rules which we have already discussed in the last lecture as well as in this lecture. So I hope you can try to differentiate the basic type of functions. ठीक है, तो कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लो और पहला जो चैप्टर है स्टार्टिंग वाला डिफरेंशिएशन का उसको आप बनाइए, आपका इजी वे में डिफरेंशिएशन बनेगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक एंड स्टार्टिंग चैप्टर जो कि आपका फिनिश हो गया। अब जो अगला चैप्टर आएगा वो किसी अगले कॉन्सेप्ट पे आएगा। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।